बस बस गाइज, अब मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे वेस्ट हो, और ये मैं नहीं, आप लोग भी नहीं चाहते होंगे कि फालतू पैसे वेस्ट क्यों करें जब मार्केट में ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आई है। तो गाइज, मुझे पता है कि आप लोगों ने किस उम्मीद से इस वीडियो पर क्लिक किया होगा, तो मैं आपके उम्मीदों पर पानी नहीं फेरने वाला। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो भी जेन्युइन बातें बताऊँगा, जो भी बताऊँगा, सच बताऊँगा। तो इस वीडियो के अंदर हम अनरैप करने वाले हैं इन दोनों ब्लेड्स को। दोनों नहीं है, एक ही ब्लेड है, बट इसके अंदर जो टीथ्स है वो थोड़े अलग है। हे गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयूर एंड यू वाचिंग टच पावर व्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी का जो माहौल है वो देख के थोड़ा पता चल रहा होगा कि मार्केट कितना डाउन है, प्राइस आसमान छू गई है और कामकाज काफ़ी कम है। तो इस हिसाब से हमें भी खर्चा करने का दिल नहीं करता। ये सब सोच के मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि है बूम की ये वुड कटिंग ब्लेड। तो ये दोनों ब्लेड काफ़ी ऑसम है गाइस, और ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अभी के टाइम ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के लिए लाई जाए। और गाइस, लिटरली मैंने ये ब्लेड काफ़ी बेच लिए, जितने भी जन लेके गए और वो दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, ये ब्लेड काफ़ी ऑसम है, और जो यूज़ कर रहे हैं उनसे अगर आप पूछोगे तो इसके बारे में कितनी तारीफ़ आपको सुनने मिलेगी, ये तारीफ़ करने लायक ही है। तो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ इसको अनरैप करके, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ इसकी प्राइसिंग गाइस लिटरली काफ़ी रीजनेबल है, और प्लस इसके साथ आपको मिलता है गारंटी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम ब्लेड में आपको देखने में मिलता है। इनकेस आप अगर महंगी ब्लेड लेने जाते हो, KYK या NV वगैरह, तो उसमें भी आपको वारंटी तो मिलेगी नहीं, तो इसके अंदर आपको गारंटी मिल रही है। और प्लस इसके एडवांटेजेस हम क्या है वो भी हम जानेंगे। तो काफ़ी सब कुछ इसके बारे में मुझे बताना है आपको, तो वीडियो को मैं जो है स्टार्ट कर लेता हूँ, और फिर आपसे जो लाइक लेना है मुझे। तो गाइज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कंटिन्यू कर दो। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे आपको ये दोनों ब्लेड्स देखने मिलेगी, और दिखने में सेम, कुछ ज़्यादा ऐसे आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। दोनों ही सेम ब्लेड दिखती है, जैसे कि बाकी सब ब्लेड दिखती है हमारे वुड कटिंग की। सो ये वाली जो है, ये वाली 4 इंच 30 टिथ्स की है, और ये वाली जो है 4 इंच 40 टिथ्स की है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा, मैंने एक और वुड कटिंग पर वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर मैंने यूनिक कैनोक्स बर्ग को लिया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 40 टिथ्स और 30 टिथ्स में क्या मेजर डिफरेंट है, और किन किन में वो यूज़ होती है। तो ये वाली जो है गाइस 30 टिथ्स वाली, ये वाली सिर्फ और सिर्फ आपको प्लाईवुड में यूज़ होगी, सिर्फ और सिर्फ प्लाईवुड। और ये वाली जो है प्लाईवुड विथ सरमेका, उसके अंदर आप ये वाली यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आपको ये वाली ज़्यादा अच्छा एवरेज देगी, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लाईवुड में आपको ज़्यादा एवरेज देगी। तो ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है उसके लिए ये था, तो अभी आप लोगों को पता चल गया। अभी मैं सबसे पहले ये वाली ब्लेड ओपन करता हूँ। तो गाइस, ये वाली जो है ये 4 इंच 30 इंच की ब्लेड है, और ये इसका वाइसर आता है। कुछ ऐसा आपको इसकी शार्पनेस देखने में मिलेगी जिगजैग में। तो दोनों साइड आपको बूम की बैजिंग, न्यू इन इंडिया, ये नया इंडिया में बना है, तो ये भी वुड वर्किंग के लिए स्पेशल है, और यहाँ पर कुछ वार्निंग दी गई है। इतनी प्रीमियम आपको ब्लेड देखेंगे, ब्लेड एकदम बिल्कुल आपको कुछ ऐसा फ़र्क लगेगा नहीं। डायमंड वगैरह आप देखोगे तो बाकी जो नॉर्मल ब्लेड आती है उसमें भी आपको सेम ही डायमंड देखने मिल जाएगा, बट जो इसके अंदर जो क्वालिटी यूज़ की गई है गाइस, वो आप ज़्यादा बेटर यूज़ की गई है, और जो भी पैसे जो है उसके ही आपको ले रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि ये वाले ब्लेड काफ़ी ऑसम है, और अगर आपने यूज़ नहीं किए तो गाइस यूज़ करो, प्लीज़ एक बार भरोसा करके यूज़ करो, काफ़ी अच्छी ब्लेड है, और इसके साथ आपको गारंटी मिल रही है। और अगर कभी भी यहाँ पर ब्लैक गिर गई या डायमंड्स जल गए तो सीधे आपको ब्लेड रिप्लेस होगी, और सेम टू सेम इसके अंदर भी सेम वही आपको सब देखने मिलेगा। तो ये वाली 40 टिथ्स की है, इसके अंदर 40 दांत है, आप देख रहे होगे कितने डायमंड चमक रहे। और गाइस, मैं एक और उस टाइम में भी मैंने बताया था, और अभी भी मैं बता रहा हूँ, इस ब्लेड्स को कभी भी आप एंगल ग्राइंडर में मत चलाओ,
ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अगर आप एक्साइटेड हो इसको बाय करने में तो यहाँ पर मैंने नंबर भी दे रखे हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाके इसके बारे में पूछो, बाय भी करो। नो डाउट इंडियन ब्रांड है और बूम की गाइस मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें अच्छी आती है। इनफैक्ट मशीन भी इसकी अच्छी आती है, मशीनें भी आती है बूम कंपनी की, तो वो भी काफ़ी अच्छी आती है। गाइस एक बार मेरे पे बिलीव करके एक बार ये ब्लेड अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो कीजिए गाइस। और इसकी अभी मैं प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपको 240 रुपीज़ की ये ब्लेड देखने को मिलती है। 440 और 430 दोनों ही आपको 240 सेम रेट देखने मिलती है। अगर आप लिंक पे जाते हो तो आपको मे भी हो सकता है और भी कम प्राइस मिले, तो जाइए फटाफट से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं नहीं चाहता कि फालतू ब्लेडों में पैसे अपने लगाए, लेकिन गाइस अगर आप मेरे पे थोड़ा सा भी 1% भी भरोसा कर रहे हो तो प्लीज़ आप ये वाली ब्लेड ट्राई करो, काफ़ी ऑसम है। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप थोड़ा सा भी भरोसा करते हो तो आप बाय करोगे, और बाय करके ज़रूर मुझे कमेंट करना कि आपको ये ब्लेड कैसी लगी। किस यूज़ कर रहे हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को तो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। शेयर करना मत भूलना अपने यार।